सही बता रहे हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण वह होता है जिनके चर पद की अधिकतम घात k, जैसे कि एग्जांपल के रूप में x प्लस क्योंकि जब इसका हम विस्तार करेंगे करेंगे जो बचेगा तब हम निर्धारण करेंगे ये द्विघात समीकरण है कि रैखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण अधिकतम घात द्विघात दो, जिस समीकरण की अधिकतम घात चर पद की अधिकतम घात दो होगी वह द्विघात समीकरण। तो इसको हल करने के लिए दो शब्द आएंगे, एक बार जो हल उसका क्या होता है, एक बार छत्तीस बाएं पक्ष में ले लीजिए, अगर ये छोटा लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सोलह प्लस आठ एक्स, इधर लाएंगे तो प्लस का है, यहाँ प्लस थ्री स्क्वायर आ रहा है, प्लस थ्री पर अंदर पछाड़ करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का छत्तीस में इधर आएगा तो माइनस का छत्तीस हो जाएगा, प्लस का बारह एक्स है माइनस का बारह एक्स हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का, अलग अलग छेद के दोनों क्या हो जाएंगे, आठ एक्स प्लस का है बारह एक्स माइनस का है, तो दोनों को चिंतित सर जोड़ने लगाना है, क्या हो बोलेगा घटेगा घटेगा, बारह एक्स आठ सर है कितना है ना माइनस का है, छिंती संख्या बारह है और छत्तीस और सोलह देखिए दोनों जुड़े घटेंगे घटेंगे, क्यों क्योंकि चिंतित से कटा है प्लस का है, इसमें कटा है माइनस का, अलग अलग चीज इसमें घट जाए, छत्तीस से सोलह घटा कितना है बीस है, और चिन्ह बड़ी संख्या का बड़ी संख्या क्या है बराबर जीरो, ये सब क्या होगा सब बताइए। रैखिक है द्विघात, रैखिक है क्यों, क्योंकि अधिकतम घात क्या है इसमें एक छुपी हुई है, ये इस तरह लिखा रहा है तो हम इसको देख करके निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा समीकरण है, इसको हल करके ही बता सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि ये पहला जो चैप्टर है ये इसके पहले एक्सरसाइज है, चौथे चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 पहला नंबर यही मैं आपको बताना है, क्या बताना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जैसे कि पहला नंबर है x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे हल करेंगे और जब लास्ट में बचेगा उसके हिसाब से निर्धारण करेंगे कि रैखिक समीकरण है द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण नहीं तो लेना है चर पद की अधिकतम घात तो नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हल करते हैं इसको, एक प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसके हिसाब से इसको तोड़ेंगे तो सूत्र की नहीं पाएगा, एक प्लस बी का होल स्क्वायर कम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। अब इसको हम रखते हैं, इसको जो है इस रूप में तोड़ दें, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो होल स्क्वायर होल स्क्वायर
कोष्ठक के बाहर दो लगा तो दो पूरा में इसको हम पूरा कर देंगे। दो का एक्स पूरा कितना है, दो एक्स दो का तीन पूरा कितना है, छः चेन माइनस इसको आगे हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक का और कितना होगा एक पूरे एक पूरे एक कर दें प्लस दो पूरे एक दो पूरे एक्स पूरे एक का पूरा करेंगे दो में दो 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 एक्स बराबर दो एक्स माइनस छः पचहत्तर कर लीजिए पचहत्तर करेंगे तो चेन चेन होंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एक्स प्लस का दो एक्स माइनस दो एक्स हो जाएगा माइनस का छः इधर आएगा तो प्लस का छः और उधर तक इधर जो क्या बचा जीरो एक्स स्क्वायर अकेला है तो इसका कुछ होगा नहीं दो एक्स मतलब एक्स वाला देखते हैं दोनों दो एक्स है अलग अलग चिन्ह है दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों जुड़ जाएंगे एक को छः जुड़ जाएंगे दस करते हैं तो कितना आएंगे सात बताइए हमारा समीकरण है नहीं क्योंकि है क्यों है अधिकतम भाग क्या तो चार सात अधिकतम भाग ठीक है पता है चार सात एक्स की अधिकतम भाग अधिकतम भाग दो है इसलिए ये समीकरण विभाग समीकरण है समझ आ गया तो अधिकतर मोटर